रिसेंटली ही हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी एक्सट्रीम 160R के 4V वर्जन को लॉन्च किया था, जो कि सेगमेंट में सबसे लाइटेस्ट और सबसे फास्टेस्ट थी। लेकिन अब बहुत जल्दी ही हीरो मोटोकॉर्प अपनी एक और पॉपुलर बाइक को लॉन्च करने जा रही है, जो कि 200cc सेगमेंट को कम्प्लीट करेगी, और ये बाइक भी सेगमेंट में सबसे फास्टेस्ट होने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूँ हीरो की अपकमिंग बाइक करिश्मा XM R के बारे में, जिसके कुछ अपडेट निकल कर सामने आए हैं, जिसकी बात हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही बात करने वाले हैं इसमें क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, इंजन स्पेस क्या रहेंगे, किस प्राइस पर लॉन्च होने वाली है और लॉन्च कब तक होगी, सारा कुछ इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। रिसेंटली ही अपकमिंग करिश्मा XM R की एक पेटेंट इमेज लीक हुई है, एंड इससे अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बाइक का ये लुक एक प्रोडक्शन डिजाइन है, यानी कि आने वाली करिश्मा कुछ इस तरह से ही मिलने वाली है। इस फोटो में बाइक को एकदम बोल्ड और डायनामिक लुक दिया गया है। फिर चाहे वो इस बाइक के फ्रंट में अग्रेसिव फेयरिंग हो या फिर फ्रंट फेयरिंग माउंटेड RBMs, क्लिप ऑन हैंडल बार, बिग मस्कुलर फ्यूल टैंक, स्प्लिट सीट, स्पोर्टी रियर काउल या फिर इसका वो स्पोर्टी एग्जॉस्ट, सभी इस बाइक को एक यूनिक लुक प्रोवाइड कराते हैं। और अब इस बाइक में ना एरोडायनामिक डिजाइन मिलने वाला है, जो कि इसके लुक्स को तो एनहेंस करेगा ही, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को भी काफ़ी बेहतर बना देगा। तो लुक्स को लेकर तो कोई भी डाउट नहीं है, हीरो मोटोकॉर्प ने इसके डिजाइन और लुक्स में काफ़ी अच्छा काम किया है, बट अगर सामने से भी एक फ्रंट से फोटो होता तो और ज़्यादा अच्छे से गैस कर पाते। बाकी लुक्स तो ये भी ठीक ही है, और इसे देखकर कह सकते हैं कि अपने कंप्लीटर्स को आराम से कंप्लीट कर सकती है। हालांकि इसके इंजन को लेकर अभी भी सस्पेंस है, लेकिन इंडस्ट्री के जो इनसाइडर सूत्र हैं उनसे पता लगा है कि इस बाइक में पहले से ज़्यादा पावरफुल और रिफाइन इंजन दिया जा सकता है। इस बाइक में अब ऑल न्यू 210cc का लिक्विड कूल्ड FI इंजन दिया जाएगा, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और हीरो मोटोकॉर्प का ये अभी तक का पहला ऐसा इंजन होगा जो कि लिक्विड कूलिंग और 6-speed ट्रांसमिशन के साथ होगा। पावर की बात करें तो इसमें करीब 25+ bhp एंड 25 Nm टॉर्क मिल सकता है। टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक से करीब 145 km/h की टॉप स्पीड मिल सकती है। चूँकि बाइक में FI इंजन मिलने वाला है तो माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, यानी कि इस बाइक से करीब 35 से 40 km/l का माइलेज मिल सकता है। हीरो की इस अपकमिंग करिश्मा XM R में राइडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। बाइक में ऑल LED लाइटिंग का यूज किया जाएगा, लाइक LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED DRLs एंड LED इंडिकेटर्स, सब कुछ LED का ही होगा। सस्पेंशन के लिए फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क और रियर में प्रीलोड मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेगा। ब्रेकिंग के लिए डुअल डिस्क के साथ डुअल चैनल ABS ऑप्शनल हो सकता है। साथ ही इस बाइक में पहले से ज़्यादा वाइड और रेडियल टायर मिलने वाले हैं। इसके अलावा बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया जाएगा, जिसमें कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन आई थिंक नहीं होगा। इसके अलावा ABS, गियर पोजीशन इंडिकेटर, लो फ्यूल एंड मॉल फंक्शन जैसे फीचर्स हो सकते हैं। जैसा कि करिश्मा लवर्स इस बाइक की लॉन्चिंग का वेट काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं, वैसा ही हीरो मोटोकॉर्प भी पहले से ही इस बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट और एम्बिशन पैदा करने में सक्सेस रही है। और जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है, ये बाइक लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल रेडी है और आने वाले कुछ ही हफ्तों में कभी भी लॉन्च की जा सकती है, यानी कि ये बाइक इस मंथ के लास्ट या फिर नेक्स्ट मंथ मिड अगस्त तक कभी भी लॉन्च की जा सकती है। वहीं प्राइस की बात करें तो इसका एक्सोरूम प्राइस रह सकता है 1,70,000 से 1,80,000 तक। और इस सेगमेंट में इसकी कंपटीटर बजाज RS 200, KTM RC 200 एंड यामाहा की R15 जैसी बाइक शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है, ये बाइक अपनी इन कंपटीटर्स बाइक को कहां तक कंप्लीट कर पाएगी और इस बाइक को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता देना। एंड गाइज, इस बाइक के अबाउट अभी यही अपडेट थी, बाकी इस बाइक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय, लव यू एंड राइड सेफ़।